सातों आठ जेसीपी कंटिन्यूसली लाग रही है। मेरे डॉक्यूमेंट अगर गलत है तो मुझे मान मार दो। पूरो बाजार है जो पूरो मार्केट है और शक्त विक्षक्त एक तरीका कर दियो गयो है। एक तो मतलब आपकी चोरी चोरी मेरे पास पट्टा पट्टा कैंसिल कीजिए ना मेरा। बहुत सारा मकान है जगह को नुकसान हुआ है, बहुत सारी दुकान है जगह को नुकसान हुआ है। दूसरे वाली बात है गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन दूसरी जगह जमीन दे दो। मुआवजे की तो बात हो रही है, मुआवजा ये है कि ये जमीन पीडब्ल्यूडी की। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो सीकर की नंबर वन एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज। और सीकर के मायने जो अतिक्रमित बतायो गयो हो कि वो सेक्टर हो जो डबल पुलियो बनना है और बिक लिए जो कार्रवाई की बात ही अतिक्रमण हटावा की बात ही बिक मायना आज सुबह सुबह प्रशासन है जो एक्टिव हो और सुबह 6 बजे लगातार जेसीपी के साथ में और जेसीपी और बुलडोजर की बात करा तो पीड़ा पंजा की बात करा सातों आठ जेसीपी कंटिन्यूसली लाग रही है। मेरे पीछे तर नजर आ रहे हो ओ बोई मकान है, ओ बोई जगह 3 मंजिला मकान है जगह एक मायने सौ ज्यादा और कुछ देर पहली सौ ज्यादा एक मायने वो बोले करे ना कोई के नुकसान अगर हुआ तो भी ये मकाना मालिक के हुआ है क्योंकि आप बड़ी प्रॉपर्टी और बी के अलावा बात करा तो मकान मालिक वो है एडवोकेट ढाका जी है पे इको विरोध भी खुलर करो अबार कार्रवाई के टाइम पर भी आया है लेकिन प्रशासन सावधानी बरतता हुआ बन अटू बन इस गांव ले जा दूसरी जगह छोड़ दिया। और आप बात करा तो लगभग ही के अतिक्रमण सेक्टर को जो अतिक्रमित सेक्टर इन बताया गयो हालांकि दुकानदारा को और अठाका मालिक को आरोप है कि वो अतिक्रमित कोनी अब मारी जगह ही लेकिन पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद है सगला मिलर इन अतिक्रमित सेक्टर बताया गया 819 और 820 को कसरा और सुबह 6 बजे लगातार है बुलडोजर इस साहब की कार्रवाई है और थेडेक्स को 3 मंजिला इमारत है जखी ध्वस्त करवा को काम तहस नहस करवा को काम है जो सुबह और लियो और वो बोले अग्रह ने के यज्ञ में आहुति दी जाए वो विकास को काम हो रहे हो और बिक मायने थोड़ो बहुत विनाश है जो खटे ने खटे वही है और एक मायने 6-7 मकान और 27 दुकान एक मायने टूटी है पुड़िया के मायने। अब बात करा चर्चा करा तो मैं तुम दिखावो चाहूँ कि इस साइड का मायने वो सेक्टर है अठीन वो सेक्टर है बी के अलावा आप बुलडोजर की बात करा तो इस साइड का मायने बुलडोजर चालवा लाग रहा है और वो पूरो सेक्टर है जो ध्वस्त करो जा रहे हो और अतिक्रमण है जो को एक मायने हटायो जा रहे है क्योंकि प्रशासन इन अतिक्रमित घोषित करो जना अतिक्रमण की आप बात करा और जेसीबी अठिन बुलडोजर पीला पंजा अठिन सालवा लाग रहा है बिक साथ के मायने आप बात करा तो इस साइड में भी थे देखो और अठिन की आप सेक्टर की बात करा तो इस सेक्टर के मायना जीत कोचिंग है जीत कोचिंग है सिर्फ एक मतलब आ एक मायने कोनी आ रही के अलावा अठिन को सेक्टर है जो सारो अतिक्रमित सेक्टर में आ रहे है वो एक मकान है सामने जो नजर आवा लाग रहा है थाने और ऊपर सिविल डिफेंस का बंदा भी के अलावा प्रशासन का बंदा एक्टिव खड़ा है ताकि कोई बीच के मायने विघ्न न डाले और प्रशासन आपको काम करते रहे वह अतिक्रमण को काम है। वो मकान है वो मकान भी आधो एक ही जद में आ रहे है आधो एक ही जद में है और थोड़ी देर के मायने ये मकान ने भी ध्वस्त कर दियो जैसी बठिन वो मकान है बिक ऊपर भी पूरी कार्रवाई चालवा लाग रही है। बिक अलावा आप बात करा आगे की इस साइड में आप देखा तो वो इस जगह के ऊपर पहली कोई टाइम पर पेट्रोल पंप हुआ करते हो और ये पंप बिक बाद में बहुत टाइम पहले हुआ करते हो लेकिन बिक बाद में अठे कोई शोरूम अठे कोई दुकान पे संचालित होती ही और अब अध्यक्ष को अठिन पूरो बाजार है जो पूरो मार्केट है वो शक्त विक्षक्त एक तरीका कर दियो गयो है और वो अतिक्रमण जो शहर सीकर संभाग बने हो
तो विकास की तक बात ही संभाग स्तर के ऊपर पुलिया मांग कई साल हुई, पुलिया डबल करो डबल करो, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो। तो अब पहलो काम है जो अठे हो चुको है क्या, जो वो जगह निकाली ही भी निकालबा को काम, वो पुलियो है यूं लेर 60 फीट तक की जगह खाली कराई गई है। और इस 60 फीट तक की जगह का मायने जितना भी मकान आया है ये अठिन खाली हो चुके हैं, अभी के अलावा वो मकान है तो बे मकान मालिक है अभी का आधो, मतलब मकान से बचको लेकिन बा खाली जगह ही बा एक मायने खाली जगह ही बा एक जदमा आ गई है। तो यहाँ की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जबकि एक मायने जगह को नुकसान हुआ है, बहुत सारा मकान है जगह को नुकसान हुआ है, बहुत सारी दुकान है जगह को नुकसान हुआ है। जीत कोचिंग अठिन की बाउंड्री है जखी एक मायने देखो तो अपने पूरा विध्वंस वो बोलिया करे ने ध्वस्त इन करो गयो है। और आप बात करा प्रशासन की बात करा अठिन चारू मेयर थे डेस्क को प्रशासन पूरो एक्टिव नजर आयो सुबह 6 बजे सु, कल भी एक मायने कार्रवाई हुई सुबह लेर कंटिन्यू टाइम दीड़ो कल शाम 4 बजे तक को खाली करवा को। और बिक बाद के मायने 4 बजे बाद में प्रशासन दिन के मायने एक्टिव हो, रात ने भी बहुत सारा इसका तोड़ा गया है, दुकान है मकान है बंद तोड़ा गया है। और बिग बाद में अभी भी यह कार्रवाई है जबकि कंटिन्यूसली चल रही है। मेरे डॉक्यूमेंट अगर गलत है तो मुझे तो मानसासन मार दो, लीगल फाइट कानून शो कॉज नोटिस इशू किए हुए हैं, शो कॉज नोटिस इशू किए हुए हैं और आपने बिना हमारे सभा के खिलाफ भेज दिया और हमें भी भेज दो। पर ये आप एक तरफ तो कानून की और न्याय की बात करते हो और एक तरह हमें क्या किया, हमारे साथ पट्टा दिया है, पट्टे के अंदर मेरे पास पट्टा है, नगर परिषद का अप्रूव प्लान है जिसके अंदर ऐसे दिखाया हुआ है कि ये एरिया आवासीय है और इसको हम पट्टे देते हैं। अभी पट्टा मैं आपको प्लान दिखा सकता हूँ, नगर परिषद कमिश्नर को बुला लो ना, गवर्नमेंट बॉडी है ना, सर आप गवर्नमेंट बॉडी क्या सुनवाई हमारे सुना का एक कर पाया ना, आपने तहसीलदार को आपने प्योर भी लग रही थी आपके सबॉर्डिनेट नहीं, तो सर हमें मारते नहीं क्या लीगल लड़ने से, नहीं मेरी बात तो हम आराम से सर हम कह रहे हैं मेरे केंद्र बैंक का लोन है 15 लाख कौन चुका है तू काय के लिए दिया, क्योंकि कहा जाए मारो ना मार के जाओ ना मारो सर, तो मारो घर सामान पारे करे घर को एक मान नो काटो जा तो मेरी बात सुन लीजिए, चलो ठीक है आप लीगल कार्य कर रहे हैं बिल्कुल मान लिया, तो मैं लीगली लड़ रहा हूँ ना, इलीगल नहीं कर रहा हूँ, तो अपने मकान पे खड़े रहना इलीगल है। एक तो मतलब आपकी चोरी ऊपर से सीना चोरी, मेरे पास पट्टा मेरे पास लीगल स्वीकृति, पट्टा कैंसिल कीजिए ना, मेरा उन्होंने पट्टा दिया है सब रजिस्ट्रार तो बुलाइए जिन्होंने मेरा रजिस्ट्री किया। बहुत पहले से नोटिस दिए जा चुके हैं इनको, टिकर मन मुआवजे की तो बात हो रही है, मुआवजा ये है कि ये जमीन पीडब्ल्यूडी की, ये खसरा जो है पूरा पीडब्ल्यूडी के ही उसमें है स्वामित्व में, तो इसलिए ये अतिक्रमी की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनको मुआवजा नहीं मिला। पट्टे का जो पट्टे की जो बात हो रही है, पट्टा 820 नंबर खसरे का जो इसका बगल वाला खसरा है, तो जो बगल वाला खसरा है जो लीगल है उस पर पूछ कर ही नहीं रहे, जो 819 नंबर खसरा है पीडब्ल्यूडी का उसी के अंदर ये कार्रवाई जारी है। और उसके अलावा भी ये लोग इन लोग काफ़ी इन्होंने कोर्ट की शरण वगैरह भी ली है, तो वहाँ से भी इनका कोई इनको रिलीफ मिला नहीं, क्योंकि जो कार्रवाई वो पूरी 6 महीने से कार्रवाई चल रही है, वो तो तारीख पर तारीख पड़ रही है, उसमें कई इसका नाम ले रहे हैं अभी, कोई स्टे किसी कोर्ट से नहीं, तो पूरा समय दिया गया है, हमने 10 दिन पहले अखबार में भी पूरा पब्लिश करवाया है और कल भी हमने इनको पूरा 24 घंटे का भी नोटिस दिया था कि आप अपना सामान हटा, तो पूरा लीगली पूरा नियमों के तहत पूरे नोटिस देते हुए कार्रवाई की जा रही है, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई कार्रवाई हो रही है, ये 6 महीने से इनको सबको पता है कि ये कार्रवाई है, तो पुराना खसरा जो था उसी में ये है, इसीलिए ये जो है तिगंदी की कार्रवाई अच्छा करती है। और ये पूरे सीकर साहब ने इसका स्वागत किया है, यहाँ जो लोग थे उनमें भी एक दो लोगों को छोड़ के सब ने इसका स्वागत किया, सब ने खुद ही आपने देखा सब ने अपना सामान भी हटा लिया और खुद ही अपने अतिक्रमण हाथ में लोग लगे। और 84 फुट की रोड थी तो ये फ्लाई ओवर आपके सामने जा रहा है, फ्लाई ओवर के बाद में रोड अगर 84 फुट नहीं होती हो तो अतिक्रमण है, अगर ये फ्लाई ओवर बना था इसका मुआवजा दिया हुआ तो गवर्नमेंट बता दी किसको दिया था, मुआवजा नहीं दिया तो ये गवर्नमेंट की जमीन में बन गया, बाकी खाली पड़ी है 84 फुट की रोड नाप लो, उसके बाद तो जमीन होनी चाहिए, रजिस्ट्री आए आगे जाएँ, उस टाइम पट्टे बनते नहीं थे, रजिस्ट्री होती थी वो रजिस्ट्री है, और लोग यहाँ रह रहे हैं काफ़ी टाइम से,
और फिर भी हम तो आम जन के लिए सुविधा हो रही है तो उसमें विरोध नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासन को मुआवजा देना चाहिए। जो ऐसे आदमी बहुत से यहाँ ऐसे भी हैं, मान लो मेरे तो और भी व्यापार है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं तो यहाँ से ही रोजी रोटी थी उनकी और सब कुछ यहाँ लगा रखा था, तो उनको गवर्नमेंट को मुआवजा देना चाहिए, पुनर्वास करना चाहिए। 20 साल एक घुमंतु जाति के लोग या कच्ची बस्ती के कहीं रह जाते हैं, उनको भी गवर्नमेंट बसाती है, प्लॉट देती है। ये लोग आज 60-60 साल से यहाँ रह रहे थे, 40-50 साल से, मतलब 40 साल से कम तो कोई नहीं है, 70 वर्ष पुराने हैं। दूसरे वाली बात है, गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन दूसरी जगह जमीन दे दो। मेरा नाम शेर सिंह सुंदा है और जन्म से यहीं रहता हूँ। ये जो टूट रहे वो मेरे टूट रहे 10 दुकानें थी, ऊपर मकान था, बगल में ही मकान है। जो आ रहा नहीं है, मतलब वो आ रहा नहीं है, अगर नापे तो आ रहा नहीं है, फिर भी तोड़ रहे हैं। 20 मीटर जगह चाहिए इनको, पूरी आगे दिए 13 मीटर जगह चाहिए, 19 मीटर जगह खाली पड़ी है। एक भी मकान है, दोनों मकान तोड़ने की जरूरत थी, इधर तो खैर तोड़ने की जरूरत थी। पहले जो मकान पुलिया बना हुआ था उससे कुछ मकान ऐसे जो 3 मीटर की दूरी पे बने हुए थे और हमारे मकान 19 मीटर की दूरी पे, उसके बावजूद प्रशासन तोड़ रहा है। रिक्वेस्ट कर ली, कलेक्टर साहब से मिल ली, ADM साहब से मिल ली, ADM साहब से मिल ली, कोई सुनाई नहीं। आगे तो साहब राज को राम को सिर के ऊपर ही गलो है, तो करें क्या करें भाई। पुलियों बंडो से पुलियों को कोई विरोध नहीं कर रहे, यहाँ जो भी थे ना, किसी ने भी ये नहीं कहा पुलिया नहीं बनना चाहिए। वो कह रहे साहब हमारे को कहीं भी बसा दो, सरकार यहाँ जितनी जमीन दे रही है उतनी जमीन कहीं भी दे दो या पैसे दे दो, जो भी उनको उचित लगे, पैसे की भी डिमांड नहीं है। सब लोग ये कह रहे हैं जमीन के बदले जमीन दे दो, तो वो जमीन कोई उनकी डिमांड नाजायज नहीं है, जायज डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी ये मानता है कि 50 साल से ज़्यादा एडवर्स पोजीशन किसी का रह जाता तो उसी की जमीन होती है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हो। यहाँ तो लोगों के पास कागज हैं, खरीदी हुई है, इनके पिताजी की खरीदी हुई है, मेरे दादाजी की खरीदी हुई है, रजिस्ट्रियाँ हैं। तो धन्यवाद, राम राम साहब। रिपोर्टर दिलराज, थारे बीच में हर अपडेट है जिकी पुंछावा की पूरी कोशिश करते रहसी, यही हमारे चैनल के साथ में और हमारे साथ में थारो प्यार प्रेम है जो को बनाए डोरा को। धन्यवाद।